दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपनी टीम की शर्मनाक हार के बाद खुद को रोक नहीं पाई प्रीति जिंटा, वो भी इस मैदान पर कोहली से मिलने पहुंची और कोहली से कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले भी घिसक जाएगी जमीन। तो आखिर कौन सा था वो लम्हा जिसमें विराट और प्रीति को साथ देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया, और क्यों अनुष्का को दोनों का साथ होना पसंद नहीं आया, उस लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है पंजाब की हार का सबसे बड़ा कारण कौन था? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर पंजाब और बेंगलोर के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें बेंगलोर ने शानदार बल्लेबाजी के बाद धाकड़ गेंदबाजी के दम पर पंजाब को कुचल कर रख दिया और एक शानदार जीत हासिल कर ली। इस महामुकाबले में कोहली को बेंगलोर की कमान संभालने का मौका मिला था और कोहली ने किसी को निराश नहीं किया। जहाँ पहले उन्होंने 69 रनों की आतिशी पारी खेली, फिर कोहली ने अपनी कप्तानी की स्किल्स दिखाते हुए दो ऐसे DRS का इस्तेमाल किया जो अब पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अब 175 रनों का पीछा करने पंजाब की टीम मैदान पर आई, तब मोहम्मद सिराज उनके लिए काल बनकर सामने आए और अपनी खतरनाक गेंदबाजी से पंजाब के चार खूंखार बल्लेबाजों को अपने सामने घुटने टेकने को मजबूर कर दिया, और पलक झपकते ही पंजाब की पूरी पारी महज 150 रनों पर सिमट गई और बेंगलोर ने 24 रनों से इस मुकाबले पर फतेह हासिल कर दी। लेकिन दोस्तों, अपनी टीम की शर्मनाक हार के बाद भी प्रीति जिंटा ने सच्ची खेल भावना दिखाई और वो विराट कोहली से मिलने पहुंच जाती है और विराट को जीत की बधाई देती है। फिर उन दोनों के बीच लंबी बातें भी होती है, तो वहीं विराट भी प्रीति से मिलकर काफी खुश लग रहे थे। लेकिन दोस्तों, अनुष्का शर्मा को दोनों का साथ पसंद नहीं आया, उन दोनों को साथ देखकर वो काफी हैरान थी। शायद अनुष्का ने ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इन दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और प्रीति जिंटा के शानदार अंदाज की भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली इस बार RCB को IPL का खिताब दिला पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।